इस वीडियो में हम उस सीक्रेट के बारे में बात करेंगे जो वॉन बफे, वर्ल्ड स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर जिन्हें बोला जाता है, उनकी सफलता का राज है। वो अपनी सफलता का राज इस सीक्रेट को बताते हैं, अगर उनसे पूछो तो। एक सीक्रेट, और जिस सीक्रेट को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का आठवां अजूबा बोला है। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो आदमी को अमीर बनाता है, और जो इसे गलत तरीके से यूज़ करता है तो उसे दिन भर दिन गरीब बनाता है। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है वीकेंड, करिए फिर शुरुआत। चलो जिनको पता है वो इसका यूज़ करके बहुत कमा रहे हैं, हमें भी इसका यूज़ करना सीखना है। वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है, पहले समझते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होता है। देखो, इंटरेस्ट तो सभी समझते हैं, ब्याज, जो हमें ब्याज मिलती है जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो हमें ब्याज मिलती है। दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है हमारा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। पहले समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया या फिर जमा करवाया, और जहाँ पे इन्वेस्ट किया वहाँ पे आपको 1 साल की 10% रिटर्न मिलती है। यानी कि 1,00,000 का 10% क्या हुआ, 10,000 रुपया। यानी कि जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ पे आपको 1 साल बाद 1,00,000 का 1,10,000 बन के मिलेगा। दूसरे साल आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा 1,20,000 रुपया मिलेगा। 1,00,000 जो आपने इन्वेस्ट किया है, 10,000 पिछले साल का और अगले साल का, दूसरा साल है उसका 10,000, टोटल 1,20,000 बन गया। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि जो आपको ब्याज, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसी के ऊपर मिल रहा है जो आपने इनिशियली 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया था। जो पहले साल 10,000 रुपया कमाया उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, इसलिए वो 1,20,000 बना। ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आप इनिशियली अमाउंट जमा करवाते हो उसके ऊपर तो आपको इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, लेकिन जो आप, जो इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अगेन एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 1,00,000 रुपया जमा करवाया 10% पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ। जो पहले साल है वो आपको 1,00,000 जमा करवाया, 10% मिला, 1,10,000 मिलेगा। दूसरे साल आपको 10% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगा 1,21,000 रुपया। अब यहाँ पे देखे दूसरे साल में क्या हुआ, 1,21,000 कैसे बन गया। सिंपल इंटरेस्ट में दूसरे साल में 1,20,000 बन रहा था, वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हमें जो पहले साल हमने 10,000 इंटरेस्ट कमाया था उसके ऊपर भी हमें ब्याज मिली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, 1,00,000 के ऊपर भी 10% मिला, 10,000 इसका हो गया। पिछले साल से हम 1,10,000 लेके आ रहे हैं, 1,20,000 हो गया। लेकिन जो ये 10,000 इंटरेस्ट कमाया है इसके ऊपर भी तो हमें 10% मिला है, ये 1,000 रुपया हो गया, इसलिए ये 1,21,000 रुपया बन गया। ये होता है हमारा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और इसी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का आठवां अजूबा कहा है। इंडिया में कंपाउंडिंग से, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से पैसा कमाने की बहुत सी ऑप्शंस हैं। पहले देखते हैं कि इंडिया में ऑप्शंस क्या क्या हैं, एंड देन फिर ये कंपाउंडिंग की पावर क्या है। बेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड्स। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत तरीके हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, लेकिन एक तरीका जो बहुत ही आसान है और बहुत ही मिनिमम एफर्ट्स के साथ हो जाता है, वो है ईटी मनी ऐप के थ्रू। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ऐप को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और आप समझ नहीं आ रहे कि कैसे इन्वेस्ट करना है, तो ये ऐप इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर देगा। यहाँ आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछे जाएंगे, आप कितनी ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। सिर्फ इन दोनों सवालों के जवाब से ये आपको म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर देगा। आप अपने उस फंड में SIP या लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये लमसम क्या होता है, लमसम उसे कहते हैं यहाँ म्यूचुअल फंड की भाषा में, जिसमें आप हर महीने पैसे नहीं देते, आप सिर्फ शुरू में ही एक बार पैसे दे सकते हो। इसके अलावा आप इनके स्मार्ट सॉल्यूशंस भी पिक कर सकते हैं। ये स्मार्ट सॉल्यूशन एक बास्केट ऑफ फंड है जो हर इन्वेस्टर की नीड्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जैसे कि
टैक्स सेविंग, बिल्डिंग वेल्थ, अर्निंग मोर देन एफडीज एटसेट्रा। हर बास्केट में हैंड पिक्ड 4 फंड हैं। अब ये बास्केट क्या है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप एफडी से रिटर्न वाली बास्केट सेलेक्ट करें। आपको टैक्स सेविंग के ऊपर ध्यान देना है तो आप टैक्स सेविंग वाली बास्केट सेलेक्ट करें। इन बास्केट्स में क्या होता है कि जो इनके मैनेजर्स हैं वो अपनी एक प्रोफेशनल स्टडीज़ के हिसाब से जो टॉप 4 फंड्स होते हैं ना, वो उन्हीं को ही रिकमेंड करते हैं जिनके ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं अच्छी तरह से मार्केट कंडीशंस में परफॉर्म करने के लिए। ये चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा आसान बना देती हैं और पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपने आप काम करेगी जब आप इन फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे। आपको सिर्फ इन्वेस्ट करने की हैबिट बनानी है, बाकी सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब इतना आसान हो चुका है। और किस प्रॉब्लम का ये ऐप सॉल्यूशन निकालती है, वो है आप इनके इन्वेस्टमेंट थीम में से म्यूचुअल फंड पिक कर सकते हैं, जैसे कि बेस्ट SIP फंड्स, म्यूचुअल फंड फॉर बिगनर्स। और सबसे बड़ी बात, 0% कमीशन, नो कमीशन, आपको कोई भी कमीशन नहीं देनी है। इससे क्या होगा कि आप हर साल अपना 1% रिटर्न एक्स्ट्रा कमा पाएंगे, क्योंकि बहुत से, अगर आप कहीं और करोगे तो बहुत से ऐसे हैं जो कमीशन में बहुत कुछ आपके रिटर्न कम कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आप अगर आप सही तरह से इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो आप 25 साल में 25 लाख तक एक्स्ट्रा रिटर्न पाओगे। और ये सारा पेपरलेस है, ट्रस्टवर्दी है। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, ऐप डाउनलोड करनी है, अकाउंट खुलवाना है और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना है, वेरी ईजी वे। अब समझते हैं कि कंपाउंडिंग की पावर क्या है। ये चीज़ ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं पर जादू छुपा है। अगर समझोगे तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कमाओगे, नहीं तो जो समझ गए हैं वो तो फिर कमा ही रहे हैं। यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीस जमा करवाए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में और आपको 10% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। आपको जो 1 लाख रुपया का 5 साल बाद कितना मिलेगा, आपको 1 लाख का 5 साल बाद मिलेगा हमारा 1,61,051 रुपीज़। यहाँ पे 5 साल ध्यान देना, मैं 5 साल क्यों बोल रहा हूँ, एग्जांपल को आसान समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है एक नोट करने वाली। लेकिन वही 1 लाख रुपीज़ अगर आप 10 साल के लिए रखते हो तो आपको मिलेंगे 2,59,374 रुपीज़। जो मैं यहाँ पे बात आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो पहले 5 साल देखें कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख जमा करवाया था, हमें 5 साल बाद कितना मिला था, 1,61,051 रुपीज़। यानी कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था हमारा 61,051 रुपीज़ पहले 5 साल में। ओके, ध्यान रखना। और 10 साल बाद हमें कितना मिला, टोटल 2,59,374। लेकिन जो बात यहाँ पे ध्यान करने वाली है, पहले 5 साल में जो हमें प्रॉफिट हुआ वो हुआ 61,051 रुपीज़ ओनली, लेकिन जो अगले 5 साल हैं उसमें हमें प्रॉफिट हुआ 98,323। टाइम तो सेम है तो 5 साल ही ना, लेकिन यहाँ पे फिर पहले 5 साल कम प्रॉफिट है, अगले 5 साल ज़्यादा प्रॉफिट कैसे। पहले 5 साल 61,051 रुपीज़ कमाया, अगले 5 साल में हमने 98,323 रुपीज़ कमाए हैं। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब यहाँ पे देखिए जादू होगा, वो ये है कि अगर आप वही 1 लाख रुपीज़ 15 साल के लिए रखते हैं तो आपको 15 साल बाद टोटल जो आपका 1 लाख रुपया है वो बन जाएगा 4,17,725 रुपीज़। यहाँ पे देखें क्या हुआ है कि अगले जो 5 साल हैं, 10 साल से लेके 15 साल के जो 5 साल हैं उसमें हमने जो प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है 1,58,351 रुपीज़। यानी कि पहले 5 साल हमने कमाया 61,051 रुपीज़, अगले 5 साल हमने कमाया प्रॉफिट जो कमाया 98,323 रुपीज़, अगले 5 साल जो हमने कमाया वो कमाया 1,58,351 रुपीज़। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। टाइम उतना ही रह रहा है, 5 साल ही रह रहे हैं, लेकिन जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग रहा है, वो उसकी अमाउंट बढ़ती जा रही है। वहीं अगर हम इस पैसे को 25 से 30 साल के लिए रखेंगे, आपको 30 साल में मिलेंगे 17,44,940 रुपीज़। आपने जो 1 लाख रुपया जमा करवाया था वो 30 साल में बन जाएगा 17,44,940 रुपीज़। अब यहाँ पे नाउ जस्ट इमेजिन कि जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे, तो आप कितने ज़्यादा ग्रो
हो सकते हैं। ऐसे पे छोटे से छोटा स्टार्ट करें, जुड़ी से नहीं 1 लाख से स्टार्ट करना है। मैंने आपको 1 लाख तो सिर्फ एग्जांपल को आसान बनाने के लिए समझाया है। आप मिनिमम से मिनिमम 5,000, 3,000, 2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो ऐप मैंने बताई है उस ऐप को एक्सप्लोर करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हो सेम इंस्ट्रूमेंट में एंड वही इन्वेस्टेड रहते हो ज़्यादा टाइम के लिए, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जादू कर देती है, जादू। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। अब आप सोचोगे यार 20 साल कौन रुकेगा, 30 साल कौन रुकेगा, 50 साल कौन रुकेगा। यही तो वॉरेन बफे कहते हैं दुनिया के स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर। उन्होंने जो अपनी वेल्थ है, जो अपनी जो उनकी नेटवर्थ है, 99.7% जो उनकी जो कमाई हुई है ना, वो उनकी 52 एज के बाद हुई है। 52 एज के बाद ग्राफ ऐसे गया। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम आती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग टाइम के साथ बिल्कुल ग्राफ ऐसे जाता है ऐसे। इन्वेस्ट करना अभी से स्टार्ट करो, अभी से छोटी अमाउंट से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो। अब कौन कौन सी चीज़ें पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है ये वीडियो बनाने में। वो चीज़ सबसे पहली चीज़ जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर इफेक्ट डालती है वो है हमारा टाइम। आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। आपका टाइम जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म होगा और आप इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे, अगर आप SIP स्टार्ट करते हैं, SIP को बंद मत करो, इन्वेस्ट करते रहो, देन आपकी जो रिटर्न होगी वो ऐसे बिल्कुल एक्सपोनेंशियल होगी। टाइम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और दूसरी चीज़ है हमारी इंटरेस्ट, कि आप कितने इंटरेस्ट पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये तो वेरी ऑब्वियस सी बात है कि 5% पे करोगे तो उस हिसाब की इंटरेस्ट मिलेगी, 10% पे करोगे तो उस हिसाब से मिलेगी, 20, 25, 30 जैसे आप इन्वेस्ट करोगे उस हिसाब से आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग होगी। अगली चीज़ यहीं पे सारे लोग मार खा जाते हैं, वो है डिसिप्लिन और पेशेंस। एक बार SIP शुरू कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद फटाफट निकलवा लेते हैं या फिर SIP देना बंद कर देते हैं। डिसिप्लिन नहीं होता। और दूसरी पेशेंस, कोई इतनी देर तक लंबा इंतज़ार ही नहीं कर पाएगा। मेरी वीडियो के नीचे ही जब भी मैं ये कमेंट में मेरी वीडियो के नीचे कमेंट हो, भाई इतना इंतज़ार कौन करेगा, जल्दी से अमीर बनाने की स्कीम बता। मेरे भाई जल्दी से अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। जो तुम्हें जल्दी से अमीर बनाना सिखा रहा है ना, वो तुम्हें अमीर नहीं बना रहा जल्दी, वो खुद अमीर बन रहा है तुम्हारे साथ स्कैम करके। ठीक है, जल्दी से अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। दुनिया के स्मार्टेस्ट जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, जो सच में अमीर हैं, उनको स्टडी कर लो, वो पेशेंस के साथ, सारा काम पेशेंस के साथ होता है। पैसा कमाना अलग बात है, पैसे को संभालना अलग बात है। ये डिफरेंस जिसने समझ लिया वो ही कैंट बंदा होएगा, फिर वही बी कैंट होएगा। ठीक है, स्टार्ट करो, इन्वेस्ट करो। ETT मनी जो ऐप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड करो। पेपरलेस, बहुत ही मिनिमम एफर्ट्स के साथ आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थी वीडियो, मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मुझे पता है आपको देख के भी मज़ा आया ही आया है। ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आता रहेगा, सो सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज़ बी कैंट, डोंट फॉरगेट टू बी कैंट। चलो फिर।